नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज। आपके साथ मैं हूं कल्याणी। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। 4 अगस्त को राई का बाग आंदोलन प्रतिनिधि मंडल करेगा समाज की महापंचायत। देवासी समाज द्वारा महापंचायत में चर्चा होने के बाद एक रैली निकाली जाएगी जो डीआरएम ऑफिस तक जाएगी। डीआरएम ऑफिस के सामने रेलवे मंत्री का पुतला जलाया जाएगा। लाल सिंह देवासी ने बताया कि रेलवे की हठधर्मिता के कारण इस समस्या का समाधान नहीं निकल रहा है, इसलिए समाज हर जिले में प्रदर्शन करेगा और रेल मंत्री के पुतले जलाएगा। रतन देवासी ने राय का बाग के ऊपर सवाल किया, रतन जी का हम धन्यवाद देते हैं। उसके बाद मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया, तो मिनिस्टर साहब के जो जवाब में दो बातें मैं बताना चाहूँगा। एक, अभी तक राजस्थान सरकार ने दिल्ली रेलवे को कोई चिट्ठी नहीं लिखी है, हमें कोई चिट्ठी अभी तक नहीं मिली है जो राजस्थान सरकार ने दिल्ली को लिखा होगी। नंबर टू, मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये लिपिक की गलती है, लेकिन रेलवे अपने हर धर्मिता के कारण ये नहीं मानता कि क्लरिकल मिस्टेक है, उसने लिख के दिया है कि इट इज नॉट ए क्लरिकल मिस्टेक। इसलिए हमें ये लगता है कि रेलवे इस समस्या को सुलझाना नहीं चाहता और टाइम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेना चाहता है, ना राज्य सरकार की सुन रहा है, ना कलेक्टर की सुन रहा है, किसी की बात नहीं सुन रहा है, अपनी मन मर्जी से लेटर लिख रहा है, मन मर्जी से तथ्य दे रहा है, सेलेक्टिव डॉक्यूमेंट्स वो दे रहे हैं जिससे उनका पॉइंट प्रूव हो, और जिस जिस डॉक्यूमेंट में राय का शब्द सही है वो एक भी डॉक्यूमेंट अपने लेटर के साथ नहीं लगा रहा है। इसलिए जो रेलवे की जो संकुचनशीलता है वो बिल्कुल इस समस्या को समाधान करने के लिए सहायक नहीं है। इसलिए हमने सोचा कि नहीं, रेलवे इस समस्या को समाधान नहीं करेगा, लेकिन हम अपना नाम लेके रहेंगे। 4 तारीख को हमने महापंचायत बुलाई है और इस महापंचायत में इस आंदोलन को विस्तार रूप देंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में लेके जाएंगे और एक महा आंदोलन की डेट डिसाइड करेंगे। 4 तारीख को एक सिंबॉलिक हम लोग प्रदर्शन करेंगे जिसमें रेलवे मिनिस्टर का पुतला जलाएंगे, तब तो रेलवे हमारा बात सुन।